गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त राकेश मिश्रा हाजिर है इस मंडे मॉर्निंग की सभा में ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत ही अजीब सा टॉपिक है, थोड़ा सा स्ट्रेंज सा है, लेकिन ठीक से सुनिएगा, ये आज का टॉपिक लाइफ बदल सकता है दोस्तों। ये मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने बुक से, अपने लाइफ से और दोस्तों से पिछले 20-25 सालों में जो सीखा, 40-45 टू एग्जैक्ट 49 कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद, वो आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट फॉर द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट्स टू गेट एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। सो आज हम वो सीक्रेट्स रिवील करने जा रहे हैं दोस्तों, कि वो क्या सीक्रेट्स होते हैं और आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब उनको एक करके सुनेंगे आज मुझसे। सो ओवर द ईयर्स व्हाट इट हैपेंड दैट द यू नो इज डिफरेंट वे इज बीन सेड। अगर आपको याद हो, एक द सीक्रेट करके मूवी आई थी, आई थिंक यू नो अराउंड 2003-2006 के आसपास, तो उससे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जन्म हुआ था और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो उसके बाद देखें तो एक मूवी आई थी ओम शांति ओम, तो उसमें ऐसा कहा गया कि आप जिस चीज़ को भी अपने दिलो जान से पाने की ख्वाहिश करें तो पूरी कायनात लग जाती है उसको पाने के लिए। और दैट वाज टेकन फ्रॉम अ ग्रेट बुक फ्रॉम पॉलो कैलो, और बुक का नाम है द अल्केमिस्ट। सो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट हुआ था। यही नहीं, अगर दोस्तों देखें तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, अगर याद हो तो बोलते थे कि यू नो जस्ट बी केयरफुल व्हाट यू स्पीक, क्योंकि कभी कभी आपके जुबान में सरस्वती होती हो, जो बोल देते हो वो हो जाता है। ठीक है, तो ये कई कई तरीकों से यू नो इस चीज़ को कहा गया है समय समय पे। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे, वो सीक्रेट्स हैं क्या कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, कैसे अपने आप को, अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेन करें। बड़े आसान तरीकों से आज हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या होता है कि इसके सबसे पहले कंडीशन जो है कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। और अगर हम उसको इंग्लिश के लफ्जों में कहना चाहें तो यू हैव टू बी अनरियल। हाँ दोस्तों, नॉट रियल, यू हैव टू बी अनरियल, अदरवाइज योर एक्शन विल बी लिमिटेड बाय योर लिमिटिंग बिलीव्स एंड सेल्फ डाउट। या तो ये तो आपको अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है। या सो यू हैव टू बी अनरियल, अदरवाइज योर एक्शन विल बी वेरी यू नो वेरी स्मॉल, वेरी फुल ऑफ फियर एंड स्केयर। तो एक चीज आपको अपने दिमाग को बतानी पड़ेगी कि यस आई एम रेडी टू बी अनरियल इन माई थिंकिंग। आपकी अपनी सोच को थोड़ा सा असंभव चीजों को संभव हो जाना भी हो सकता है, इस तरीके से अपने आप को बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कभी कभी जो हम पाना चाहते हैं, जो आगे मैं बताने जा रहा हूं कुछ चीजें, उसके पहले एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बात है लेट 80s की। तो उन दिनों मैं इलाहाबाद गया हुआ था पढ़ाई करने के लिए, और मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो उन दिनों में IIT रुड़की और मोतीलाल, ये तीन होते थे, क्योंकि उस समय कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ ही नहीं करते थे, बस इन्हीं के थ्रू केवल होता था। तो आई वॉज शेयरिंग अ रूम विद माई फ्रेंड एंड हिज नेम इज मलय सहाय। तो मलय सहाय जो कि अभी इस समय यू नो सियाटल में US में हैं, तो मलय सहाय और हम लोग तैयारी करते थे। तो मलय सहाय का एम था कि मुझे IIT में ही जाना है। हम लोगों भी सबका ख्वाब होता है कि चलो IIT दैट वाज द बेस्ट, लेकिन ही वाज डेडिकेटेड। मैं अभी आता हूं कि किस तरह से उसका डेडिकेशन था, और उस कहानी से मैं अभी आपकी कहानी भी आता हूं, आप अपनी लाइफ को, अपनी कहानी को भी उससे लिंक करेंगे। तो वो मेरा जो दोस्त मलय सहाय, क्या हुआ, शायद कोई छुट्टी पड़ी एंड ही टू 2-3 डेज और ऐसे वो बनारस चला गया।
हम लोग बताए हुए हम जा रहे हैं ऐसे ना कि आई डोंट रिमेम्बर कि हम अपने दोस्तों से अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं और वहाँ पे गए, फिर लौट के आके पूरी कहानी बताए कि एक्चुअली मैं बनारस इसलिए गया था कि मैं आईटी जो नियरेस्ट आईआईटी जो था वो तो कानपुर था उस समय, या तो आईटी बीएचयू, तो बोलते मैं बनारस गया वहाँ पर, आईटी जो बीएचयू के कैंपस में ही वेंट देयर और वहाँ पे बैठे और दोस्तों से वहाँ के जो स्टूडेंट्स उससे बात की, मतलब बेसिकली ही फेल्ट लाइक ही इज वन ऑफ देम कि वो ऑलरेडी स्टूडेंट वहाँ के हो गए हैं इस तरीके से, वहाँ जाए समय बिताए कैंपस में अंदर घूमे फिर के और वहाँ से आ गए, बेसिकली वो फिजिकली अपने आप को वहाँ पे ले गए। तो अब क्या हुआ कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो दोस्तों मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ये माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टच करना चाहूँगा। दोस्तों क्या होता है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब आप कोई चीज जैसे ना कि बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो, तो शिद्दत से चाहने का मतलब है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया कि मुझे ये चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा कि जो आपकी चाहत है उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज है जो आपकी चाहत को पाने के लिए हेल्प करेंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड उन चीज को ढूंढ ढूंढ के लाएगा और आपको बताएगा ये चीज देखो, इसको आप यूज करो, या इसको आप अडॉप्ट करो, या इससे आप दोस्ती बनाओ, ये चीज पढ़ो या ये चीज करो। तो इतनी पावर हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब मेरा दोस्त मलेशिया है, जब वहां पे वो गया ITBHU में, तो वहां पे उसने क्या किया, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिजिकली ट्रेन करा रहा था कि अरे भाई मेरे सबकॉन्शियस माइंड, मेरे दोस्त ये देखो यहाँ पे मुझे आना है। और कट द स्टोरी शॉर्ट, क्या हुआ फिर उस साल उसका मोतीलाल के थ्रू हो गया, लेकिन IIT में नहीं हुआ, लेकिन व्हाट ही गॉट थ्रू कि वो BTech उसने GB पंत नगर से किया, फिर MTech एडमिशन उसको ITBHU में मिला और उन्होंने ITBHU से MTech 93 में पास आउट किया, एंड नाउ ही सक्सेसफुली ही एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन US। सो लास्ट आई हैड इंटरेक्शन ही वाज ग्रीन कार्ड, नाउ ही माइट हैव बीन गॉट हिज सिटीजनशिप आल्सो। दोस्तों ये होता है, एक एग्जांपल था। या चलिए इसके पहले मैं अपने कुछ और पर्सनल एग्जांपल दूं या कुछ और आगे चलूं, कुछ चीज़ें आपको ये बताता हूं कि आप अपने आप को क्या चीज़ें करें जो आपको प्रैक्टिस में लाएं, अपनी हैबिट्स में लाएं, जिससे कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके बहुत पास पहुंच सकते हैं, या जो कुछ भी चाहते हैं उस चाहत से भी ज़्यादा हो सकता है आपको मिल जाए। तो वो तीन चीज़ें आपको अपनी हैबिट में लानी पड़ेंगी दोस्तों, और वो तीन चीज़ें मैं बताने से पहले चलिए कुछ नाम मैं यहाँ पर लेता हूँ हमारे दोस्त जो हमें ज्वाइन किए हैं। सो दोस्तों, तो सुरेंद्र बात जी, थैंक यू वेरी मच। शधोला मिश्रा भाई साहब, थैंक्स अलॉट। अफजल मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण भाई ऑल द वे फ्रॉम शाहदरा दिल्ली, थैंक यू वेरी मच। अंजनी कुमार शर्मा जी, थैंक्स अलॉट। एंड थैंक यू प्रवीण भाई, थैंक यू फॉर सेइंग नाइस वन, थैंक यू वेरी मच। आई होप आई एम एबल टू ऐड समथिंग। एंड करमजीत सिंह, थैंक यू वेरी मच। अश्विनी मिश्रा जी, हरीश देवाल जी, एंड जूली हेलमेट, यू नो यू केम अगेन अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग यू नो माई दिस रेडियो शो। दो आई समटाइम आई स्पीक हिंदी, समटाइम इंग्लिश, एज ए हिंग्लिश शो, हिंदी एंड इंग्लिश, सो आई डोंट नो हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट जूली रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। राजकुमार शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मलय दीक्षित बाबू, थैंक यू वेरी मच। यू नो आई मेंशन मलय सहाय एंड दिस इज मलय दीक्षित फ्रॉम ब्रैम्पटन ऑल टुगेदर। अतुल भाई, थैंक यू वेरी मच। अल्पेश जी, थैंक्स अलॉट। एंड बी एन देवी जी, थैंक यू अलॉट। अल्पेश जी, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर संजय कुमार त्यागी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो दोस्तों आई एम कमिंग बैक टू कि वो तीन चीजें आपको अपनी प्रैक्टिस में कौन सी हैं जो लानी है। दोस्तों बहुत बहुत आराम से और इसको सुनिएगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में ये चीज फॉलो कर रहे हो, थोड़ी सी अजीब सी हैं, लेकिन दैट विल गिव यू द मैक्सिमम माइलेज इन योर लाइफ। तो बिना किसी हेर फेर इधर उधर के सीधे उन चीजों पे आता हूं। सो दोस्तों आपको तीन चीजें अपनी लाइफ में लानी पड़ेंगी, और नंबर वन है इमेजिनेशन। उसको हम विजुलाइजेशन के थ्रू भी हम इमेजिन कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि सपने देखना, ड्रीम। तो इमेजिन करें, ड्रीम करें, विजुलाइज करें। फॉर इंस्टेंस चलिए मनी टर्म्स में आते हैं। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को होल्ड पे रखते हैं कि हम ये कार तब लेंगे, ये घर तब लेंगे, हम यहाँ घूमने तब जाएंगे, या ये चीज़ तब खरीदेंगे जब हमारे पास इतना पैसा होगा, 1 करोड़ होगा या 2 करोड़ होगा, जो भी है।
तो सोचो कि आपके पास 2 करोड़ हो गया है या एक पर्टिकुलर अमाउंट ये हो गया है, तो क्या होगा? कैसी आपकी सोच होगी? कैसी आप बिहेव करोगे? कौन सी आपकी वरीज आपके दिमाग में नहीं रहेंगी? क्योंकि बहुत सारी वरीज हमारी पैसों को लेके होती हैं, और वो जो पैसा होता है वो रिलेटेड होता है फ्यूचर इवेंट से। फॉर इंस्टेंस, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, लेकिन बेटी अभी 12 साल की है, अभी बहुत टाइम, लेकिन चिंता होती है कि अरे अभी पैसे कहाँ से कमाएंगे बेटी के लिए, ठीक है? या बच्चा भी छोटा है, उसकी एजुकेशन के लिए कहाँ से आएगा? या हमें अपने बच्चों को फॉरेन पढ़ने भेजना, पैसा कहाँ से आएगा? दोस्तों, वो चीज़ फ्यूचर में होनी है, लेकिन उसकी आप चिंता करके क्या होता है कि अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, जो अपनी एनर्जी है, जो प्रेजेंट की है, उसको भी आप डिस्टर्ब कर लेते हैं। हाँ, तो आप क्या करें कि इमेजिन करें कि 5 साल बाद अपने आप से वो 1 करोड़ आपके पास आ जाएगा, या आ जाएगा नहीं, आपके पास ऑलरेडी है। तो दोस्तों, लेकिन ये आपको ना, मैं नहीं बोलता कि आप झूठ बोलें कभी लाइफ में, लेकिन अगर झूठ आपको बोलना है तो झूठ अपने आप सबकॉन्शियस माइंड से बोलें। इतना झूठ बोलें कि बिल्कुल सच की तरह बोलें, थोड़ा सा चीट करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उसको बताएं कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड, मेरे दोस्त, तुम मेरे माइंड के अंदर रहते हो, मैं तुमको बताता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी वो 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए ऑलरेडी मेरे बैंक में पड़े हुए हैं, या किसी दोस्त के पास, रिलेटिव के पास पड़े हुए हैं, जब मैं चाहूंगा उनको ले सकता हूं। दोस्तों, जिस दिन अपने ये सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया, लेकिन देखिए, सोचिए कि अगर रियल में आपके पास हो ये चीजें, तो कैसे आपका बिहेवियर होगा, कैसे आपकी सोच होगी? उसी अब सोच को आप अडॉप्ट करें बेस्ड ऑन दैट इमेजिनेशन, दैट विजुअलाइजेशन, दैट ड्रीम दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। दोस्तों, बहुत मैंने अपने आप में ये पूरे इमेजिन करता था इस चीजों को। मैं इलाहाबाद में था, दोस्तों से बात करता, दोस्त बोलते थे इंजीनियरिंग की मैं तैयारी कर रहा हूं, अभी इंजीनियरिंग में भी नहीं हुआ है, तो लोग बोलते हैं तो राकेश तुम्हारा क्या प्लान? बोलता कुछ नहीं, यहाँ से इंजीनियरिंग करूंगा, उसके बाद से यहाँ से इलाहाबाद से बड़े शहर जाऊंगा, दिल्ली बॉम्बे जाऊंगा, वहाँ पासपोर्ट बनवाऊंगा और 1-8 साल एक्सपीरियंस लूंगा इंडिया में, और इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा विदेश, अमेरिका, यू नो यूरोप, ये नहीं मालूम था कहाँ, यू नो मिडल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका, यू नो कनाडा, यूरोप, कहीं भी विदेश चला जाऊंगा। तो लोग बोलते थे यार तुम इतनी आसानी से बोलते हो, इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, कैसे कैसे सोच सकते हो जाएगा? हम कहा इसमें बुराई क्या है? तो मेरी शायद आपको बातों से भी लग रहा होगा जितना मैं आपके मिस्टेक हूँ, या जो मेरे जानने वाले लोग हैं, या जितनी भी मेरी पोस्ट होती है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, नेगेटिविटी के लिए मेरे पास दोस्तों जगह ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं चीज़ें हमारे साथ नहीं होती हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने आप को सीधे क्यों ना, क्या पड़ता है, हमेशा पॉजिटिव रहूँ, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहूँ, उसका बहुत फ़ायदे होते हैं दोस्तों। तो ये पहली हैबिट आपको डालनी है अपने अंदर कि जो चीज़ें आपको, थोड़ा सा इमेजिन करो अच्छी चीजें कि ऐसा हो गया कि मेरी ये ऐसी जॉब ऐसी लग गई, मैं इस देश में चला गया जहां जाना चाहता हूं, ये गाड़ी आ गई, ये घर आ गया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तब खुशी होगी। तो वो खुशी अभी क्यों ना हम जिए, आज प्रेजेंट में। हम सब हमेशा लोग बोलते हैं कि पास्ट गया, कोई हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, फ्यूचर अभी आया ही नहीं है, और पास जो चला गया उसको सोच सोच के, उन गड़े मुर्दों को उखाड़ के, और अभी जो फ्यूचर आया नहीं है उसको सोच के हम अपना प्रेजेंट बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, फिर हम जिएंगे कब? तो दोस्तों, अगर मेरी आप बात से सहमत हैं तो जस्ट वाई या यस टाइप करें अपने कमेंट में, अगर जरा सा भी मेरी बात से सहमत हैं कि दोस्तों प्रेजेंट में जीने के फायदे ही फायदे हैं, और फ्यूचर को इमेजिनेशन से इतना पावरफुल बना दें कि हर दिन अगर आप यू नो मस्ती के साथ जिएंगे, तो यही दिन आपके वीक बन जाएंगे, वीक आपके मंथ बन जाएंगे, मंथ आपके ईयर बन जाएंगे, और यही लाइफ है। तो फिर एवरी डे आप मस्ती और खुशी में ही निकाल देंगे। तो दोस्तों, इमेजिनेशन और जो आपका ये क्या कहते हैं कि ये जो ड्रीम देखना और जो विजुलाइज करना इन चीज़ों को कि ऑलरेडी वो हो चुका है, बहुत बड़ी पावर है दोस्तों। आई एम नॉट मे बी एबल टू फॉर्मेट इन वेरी नाइस वे, वेरी ले मैन वे, मैं इन चीज़ों को मैं खुद फॉलो करता हूँ। अभी जैसे है कि पिछले एक शेयर करना चाहूंगा, शायद सुना भी होगा कि पिछले 10 सालों पहले मैंने एक विजुलाइज किया था कि आई वॉन्ट टू फाइनेंशियली रिटायर, सो दैट उसके बाद मुझे काम करना नहीं करना, मैं करूं ना करूं, घर में सोऊं, दोस्तों से मिलूं, इंडिया घूमूं, कहीं घूमूं, कोई परवाह नहीं। लेकिन दोस्तों, और कोई ऐसा नहीं था, मैं भी एक आईटी का आदमी था, जॉब करता था, खर्चे आते, लेकिन सोचा और सोचने के बाद क्या हुआ, सब हो गया 10 साल बाद। क्योंकि जब तू पूरा इमेजिन किया भाई कितना पैसा रिटायरमेंट के लिए चाहिए और क्या चाहिए,
भाई ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम तो यही होती है कि उन्हें यही नहीं मालूम चाहिए क्या, तो वो अगर क्लैरिटी हो जाए तो हाफ द बैटल ऐसे भी हो गई। तो एनीवे दोस्तों मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो जैसे मैंने बताया कि पिछले 10 साल मैंने ये प्लान किया था कि कैसे रिटायर होना है और हो गया। सिंपल 3 चीज़ें, घर को पे ऑफ कर दो, बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड अरेंज कर दो, और उसके बाद जो आपके एक्सपेंसेस हैं मंथली उनके लिए कहीं से दोस्तों आज आप अरेंज कर लो कि बिना जॉब किए हुए पैसिव इनकम के थ्रू रेंटल इनकम हो सकती है, कोई ऑनलाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके थ्रू अगर आने लगे तो यू आर रिटायर्ड। एंड दैट्स व्हाट माय थॉट वाज, इट वाज इम्पॉसिबल ड्रीम। लेकिन जैसे कि मैंने बोला शुरू में कंडीशन, यू हैव टू बी अनरियल, सो आई वॉज अनरियल, क्योंकि किसी मेरे दोस्त के साथ ऐसा नहीं हुआ था, किसी ने नहीं किया था, किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी सीनियर ने भी नहीं किया था, किसी के बारे में सोचा भी नहीं था, और हो गया। अब अगले 10 साल का दोस्तों मेरा ये प्लान है, मतलब इमेजिनेशन है कि लेट 1000 पीपल पे मी $1000 a month, कि 1000 लोग मुझे $1000 महीने का पे कर रहे हैं अगले 10 साल का, उसमें 1 साल ऑलरेडी हो चुका है इस गोल को रखे हुए। तो क्यों नहीं होगा दोस्तों, मैं ऐसे इमेजिन करता हूं कि आज की डेट पे 7.5 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, और उस समय 4.5 बिलियन लोग इस समय ऑनलाइन है यूजिंग सोशल मीडिया इंटरनेट, और अगले 5-6 सालों में ऑलमोस्ट मोर देन 95% पीपल विल बी ऑनलाइन। तो दोस्तों 7.5 अरब लोग ऑनलाइन हैं, और आपको कितने रिसोर्सेज हैं पैसा कमाने के, कितने तरीके हैं। तो एनीवे दोस्तों वो एक अलग टॉपिक, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मैंने इमेजिन किया। या तो द फर्स्ट थिंग दैट इन दीज 3 चीजों पर, कि आपको क्या करना है, आपको अपने को इमेजिन करना है, ड्रीम करना है, विजुलाइज करना है कि हम वहां पे वो लाइफ जी रहे हैं। या और कभी कभी इस इमेजिनेशन विजुलाइजेशन को थोड़ा सा और कभी कभी क्या होते हैं, कुछ चीजों के बारे में तो हम सोच सकते हैं, कुछ चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो उसके लिए क्या होगा कि कुछ जगहों पे आपको विजिट करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, और आपको भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप भी करें। क्या हुआ दोस्तों कि एक समय की बात है आज के 10-12 साल पहले, कि मैं किसी घर में, मैंने कोई घर खरीदा, यहीं टोरंटो में रह रहा था, तो उसकी कीमत उस समय थी अराउंड 3 लाख, $3.5 लाख के आसपास। और एक होता ना कि हमारे जितने भी फ्रेंड सर्किल था सबका एक बजट था, 2.5 लाख से 3 लाख वो हमारा बजट था। जिसने 3 लाख ले लिया वो लगता ओ माई गॉड, यू नो तूने यार इतना महंगा ले लिया। तो ये था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001-2002, उस समय की बात है, ये रियल नंबर्स है। तो मैंने सोचा यार सब लोग केवल जॉब करते हैं, मैं जॉब करता हूं, जॉब के अलावा मैं अपना ये कोचिंग और ये सब आईटी के कोर्सेज भी पढ़ाता हूं पार्ट टाइम में, और आई मेक दिस मनी आल्सो, तो मैं भी उसी के अगर रेंज में रहूंगा तो इसका मतलब मैं भी उन्हीं की तरह हूं, तो थोड़ा तो स्ट्रेच करना चाहिए ना। तो मैंने क्या किया कि जस्ट डबल कर दिया, कि हम कहा चलो, एक ऐसे दिमाग में आया कि 3 लाख हमारा लोगों का एक तरह से बजट, हम 6 लाख का घर खरीदते हैं। और वही मैंने किया कि अपने आप को स्ट्रेच किया, और उसके लिए घर नहीं खरीदा। पहले मैंने क्या किया कि अपनी गाड़ी ली, और जो रिचेस्ट नेबरहुड है यहाँ पे टोरंटो के आसपास, वहां पे पता किया रियल एस्टेट से, तो मालूम चला कि जो रिचेस्ट नेबरहुड है यहाँ पे ओकविल, रिचमंड हिल, ब्राइडल पाथ, ये 2-3 ऐसे एरियाज हैं नॉर्थ वगैरह, तो वहां पे रिचेस्ट नेबरहुड में कार लेके जाने लगा। जब जाने लगा तो यू नो जैसे लोग घर से निकलते थे, जैसे वो गाड़ियां ड्राइव करते थे, एक माहौल होता है ना रिचेस्ट नेबरहुड का। फिर क्या हुआ कि उसमें कुछ ऐसे ओपन हाउस लगे थे, तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के सुने, ओपन हाउस का मतलब क्या होता है कि द हाउस विच इज फॉर सेल, तो एक पर्टिकुलर डेज होते हैं ओपन हाउस होता है, एनीबडी कैन कम एंड हैव अ लुक, बेसिकली टूर कर सकते हैं। तो मैं भी किया, वो 6 लाख का जिस घर से भी बात कर रहा हूँ, वो शायद 6 टन का लिस्टेड था। तो अंदर गया दोस्तों, इसका किचन देखा, पीछे बैकयार्ड देखा, और यू नो इतना मजा आया। अब क्या हुआ कि अब जब इसके अंदर गया तो अब ख्वाब में देखने लगा, अरे अगर ये मैं घर ओन कर लूं, कितना यू नो किसके अंदर ऑफिस भी है, बड़ा बड़े बेडरूम भी है, और इतना कस्टमाइज किया हुआ। तो अब क्या हुआ कि अब ये चीज मैं घर के अंदर अगर नहीं आता दोस्तों, तो मैं इमेजिनेशन भी अब हमारी वहां तक नहीं जाती। तो कभी कभी इमेजिनेशन के लिए भी अपने आप को वैसे इन्वायरमेंट में डालना पड़ता है। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप इंडिया में रहते हो, जहां भी रहते हो, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो, तो अगर चांसेस आपको मिले तो घरों में जाओ, कोठियों में जाओ, जस्ट विजिट करो, हैव फील। जब आपको फील होगी तो उसको जीने का अंदर से एक चाहत आएगी। दोस्तों ये मत बोलो कि अरे
कि गुड़गांव में 50 गज की कोठी है तो 10 करोड़ की, ये मत बोलो 10 करोड़ भी आ जाएंगे, लेकिन अपने आप को पहले सपने तो इतने स्ट्रांग दिखाओ। जब आप वहां पे जाओगे फिजिकली उस लोकेशन को आप विजिट करोगे तो आप नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सारा कुछ रजिस्टर कर रहा होता है, सारा कुछ स्कैन कर रहा होता है, फिर वो क्या करेगा, आपको फोर्स करेगा उस अर्निंग के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और हर तरीके से स्ट्रेच करने के लिए। तो दोस्तों ये था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो उन फिजिकल लोकेशन को विजिट करें, तो उससे क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड का बिलीव और भी पक्का हो जाता है कि को आपने उसको जी लिया होता है। दूसरा एग्जांपल दे लूंगा, ऐसा लग रहा कि मैं अपने आप को शो ऑफ कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन उसका वो कोई तरीका नहीं कि एग्जांपल दे रहा हूं, तो बेस्ट एग्जांपल अपने खुद के होते हैं और आप लोग जो सुन रहे हो खुद भी इससे रिलेट कर सकते हो। दूसरा क्या था कि मैं 7-8 साल के पहले तक मैं निसान, टोयोटा, होंडा ये गाड़ियां चलाता था, तो अचानक लगा चलो ये एक्चुअली वाइफ का बर्थडे भी था तो हम कहा चलो एक नई गाड़ी लाते हैं, तो अपना मर्सिडीज की एसयूवी खरीद के लाके उनको सरप्राइज दिया, गिफ्ट दिया। लेकिन लान गाड़ी तो कोई दूसरी खरीदनी थी, लेकिन मैंने क्या किया कि चलो चलते हैं बीएमडब्ल्यू, ऑडी और क्या कहते हैं टेस्ला और मर्सिडीज के शोरूम जाते हैं, और उनका जैसे टेस्ला वगैरह वो भी लिया, टेस्ट ड्राइव वगैरह ली। तो जब आप वहाँ पे जाते हो मर्सिडीज के शोरूम में तो क्या होता है कि आप देखते हो अरे कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हुए, कैसी उनकी फैमिली है, कैसे वो मैनेजर आपसे इज्जत से बात करते हैं और किस तरीके से गाड़ियाँ स्लीक गाड़ियाँ रखी हुई चमचमाई, अंदर बैठ के देखो, जब बैठ के देखो तो वो जो फील आपको आती है ना दोस्तों, यहाँ पे मैं शो ऑफ और पैसे की और खाली मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू और ऑडी और टेस्ला और लंबरगिनी के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फील की। ऑफकोर्स उनका नाम है लेकिन गाड़ियाँ सेफ भी होती हैं, गाड़ियों में मज़ा भी आता है। अरे तो दोस्तों आप जाके तो देखो, अगर आप मारुति ड्राइव कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर गाड़ी ड्राइव कर, जस्ट गो, जो भी दिल्ली में, हरियाणा में, बॉम्बे में, मुंबई में, बेंगलुरु में, कलकत्ता में, जहाँ के भी लोग आप सुन रहे हो या इंडिया से बाहर, गो टू विजिट मर्सिडीज, गो टू विजिट बीएमडब्ल्यू, गो टू विजिट ऑडी, टेस्ला, टेस्ला की जाए और आप जस्ट ड्राइव उसकी लें, राइड लें उसकी, टेस्ट राइड लें और देखिए, तो फिर क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड है यार हमें ये गाड़ी लेनी है, अब क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जहां आपके पास पैसे आएंगे सबकॉन्शियस माइंड आपको तुरंत रजिस्टर करेगा दैट राकेश ये पैसा सेव करो आपको टेस्ला के लिए, इसके लिए, इसके लिए। नॉट ओनली दैट, कभी कभी तुम्हें थोड़ा सा हायर सैलरी के अगर कोई ऑफर आएंगे तो पहले आप डरोगे, लेकिन आप डरोगे नहीं, आपको लगेगा नहीं ये हायर ऑफर इसलिए आ रहा है कि इससे अगर मैं इसको ले लूंगा हायर ऑफर की जॉब तो एक्स्ट्रा पैसा से हम टेस्ला खरीद सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों में इन चीजों में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, अगर आपकी अर्निंग अच्छी तरीके से बढ़ती रहे। तो ये एग्जांपल मैंने दिया इसका गाड़ी का, और फिर वहां पे गया और जो राइड ली और ये मजा आया, उसके बाद देन आई एंड अप बाइंग मर्सिडीज एसयूवी। तो ये हमेशा दोस्तों इस तरीके का होता है कि अपने आप को जब उस इन्वायरमेंट में डालते हो, गो टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन, सबसे महंगा जो रेस्टोरेंट है आप उसमें अपनी फैमिली के साथ जाएं, तो क्या होगा कि वहां पे जाएंगे जिस तरह से वेटर आएगा, जैसे वहां पे आप लोग देखेंगे और बैठेंगे, उसके बाद अब जैसे आप बॉम्बे में ट्रेवल करते हो, जैसे बॉम्बे में जाता हूं तो 3-4 जो वहां के बार हैं जो, और जैसे अब ये जो मैरियट है, अब मैरियट में क्या होता है कि उस समय अभी 2200 का हो गया, पहले 1400 का, तो क्या होता है लंच होता है, तो वहाँ पे आप जाएं लंच करें तो उसमें बहुत सारे मतलब टीवी के, बॉलीवुड के लोग वहाँ पे मिल जाएंगे, तो क्या होता है कि जब उनसे आप ऐसे बगल से निकलोगे वो भी खाना खा रहे हैं, वो भी मिल रहे हैं, तो वो जो ज्वाइंट्स हैं कोई बहुत महंगे नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे आप जब जाओगे तो क्या होता है कि यू फील योर सेल्फ पार्ट ऑफ देम, कि क्या होता है एक फोबिया आपके अंदर निकल जाती है और तो आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है, तो उससे है कि आपके एक सोच, आपका जो सेल्फ डाउट है, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो धीरे धीरे आपके दूर होते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचता है, अरे ठीक है यार ये एक्टर है या ये स्पोर्ट्स पर्सन है या ये बड़ा आदमी है, तो यार इसके सामने देखा वो क्या, ही इज ऑल्सो लाइक व्हाट इज ग्रेट, डू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये होता है आप न्यूयॉर्क जाएं तो गो टू द बेस्ट 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 द शॉपिंग प्लेस, जरूरी है कि आप वहां पर खरीदें, एटलीस्ट गो एंड विजिट। तो ये होता है दोस्तों, दिल्ली में रहते हैं गो टू द 5-star होटल जस्ट फॉर 1 night, इतना कमाते हो आप लाखों करोड़ों कमाते हो, क्या होगा 1 night का 25,000, 30,000, 50,000, ठीक है मैं नहीं कहता 50,000 रुपये बहुत कम है, लेकिन जिंदगी में एक बार दोस्तों, कुछ एक्सपीरियंसेस केवल एक बार होते हैं, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस ऐसे आपके ऊपर छाप छोड़ जाता है, छुट्टी बितानी है आपको,
जिंदगी भर का कितने मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं और अरे कहाँ भाई हम वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे, दोस्तों कुछ नहीं, दिमाग बना लें कि हमें एक हफ्ते के लिए स्विट्जरलैंड घूम के आना है अपनी फैमिली के साथ में, हो जाएगा, सारे तरीके निकल आएंगे। क्योंकि अभी तो क्या तरीका, तो आपका तो जी लगा हुआ है कि अरे उससे बड़ी कार लेनी, उससे बड़ा घर लेना है, उससे बड़े स्कूल में भेजना है, वो भी जरूरी है, लेकिन दोस्तों उम्र के हिसाब से एक समय आएगा कि देर इज नो पॉइंट बिकमिंग बिलियनर और व्हील चेयर, के समय आएगा आपके पास पैसा होगा सब कुछ होगा लेकिन ये एज नहीं होगी, ये एनर्जी नहीं होगी दोस्तों। तो अभी इसका इंजॉय करने का फायदा दूसरा है और फीलिंग्स दूसरी है। तो ये रहा, तो पहली चीज दोस्तों मैंने बताया कि इमेजिन करना सीखें, ड्रीम करना सीखें और फिजिकली अपने आप को वहां पे उन जगहों पे लेकर के जाए। एक और एग्जांपल मैं अपना देना चाहूंगा कि अब इस घर में जब मूव हो गया इसके बाद भी मैं क्या करता था, अभी स्टॉप कर दिया, अदरवाइज समर में मैं जो दो मिलियन 3 मिलियन या 5 मिलियन के जो ऐसे घर होते थे उनकी शोइंग पे जाता था। आई यूज्ड टू कॉल कि मेंबर वो कौन है, और अभी क्या है कि जैसे 5 मिलियन के घर है, ठीक है, आप मर्सिडीज से जाते हो, उतरते हो, अच्छे ड्रेस है, तो वो बिलीव भी करते हैं कि I have no intention to buy $5 million house. I cannot even afford it. लेकिन मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपनी नॉलेज के लिए कि भाई जो 5 मिलियन या 10 मिलियन के जो एक घर भी था, या दैट वाज इन ओकविल लेक फ्रंट साइड, यू नो, तो वो पूरा बहुत महंगा था, इट वाज अराउंड 10 मिलियन इन दैट रेंज। आई वेंट टू सी दैट हाउस। अब सोचो कि कितने लोग ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे जो 10 मिलियन मतलब यहाँ के कनाडा के हिसाब से 10 मिलियन, इंडिया के हिसाब से अराउंड 50 करोड़ का। तो अगर आप 50 करोड़ के घर को आप अंदर से देखो कुछ तो अलग होगा, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या था कि ये जो 50 करोड़ का घर कौन वोन करता है देखे, तो वो बंदा अगर बात करने कभी मौका मिल गया कि वो करता क्या है, कौन सी चीजें रखता है अपने किचन में, कौन से अपने बेडरूम में, कैसा बेड है उसका, कैसा लिविंग रूम है, कैसे उसके शो पीसेस होते हैं, जस्ट हैव एन आइडिया कि जो हमसे क्या कहते हैं कि 5 टाइम्स या जो 10 टाइम्स जो रिच घर में रहते हैं उनमें क्या होता है, या तो उससे क्या होता है कि देन आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और बहुत सारी चीजें क्या होती है नॉर्मल सी लगने लगती हैं। सो व्हाट है दोस्तों। तो ये रहा हमारा कि फिजिकली उन लोकेशन पे अपने आप को ले जाना, दैट ऑल्सो गिव्स एन एडेड एडवांटेज। तो जब भी आपको टाइम मिले प्लीज डू टेक केयर, डू टेक योरसेल्फ देयर, कहीं भी आपको जाना है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल अपना बताया और अपने उस दोस्त को बताया, किसका, मलय सहाय का, कि जब हम इलाहाबाद में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे तो वो अपने आप को आईआईटी जाना चाहता, तो आईटी अभी तो हुआ ही नहीं, अभी क्यों प्रिपरेशन के समय भी वो अपने आप को बनारस में ITBHU कैंपस में लेके गया, वहां पे बैठा, लाइक ही इज अ स्टूडेंट देयर। And finally, after 4-5 years, he completed his BTEC from GB Pant, and then he did MTEC from there. तो ये होता है दोस्तों कि जो आप करना चाहो, पहले तो वही जैसे बताया कि इमेजिन, दूसरा कि फिजिकली वहां पे लेके जाना, और तीसरा दोस्तों है जैसे किसी ने बोला है कि फेक इट टिल यू मेक इट। क्या मतलब होता है कि फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब ये होता है कि सपोज किया कि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो, क्या डायरेक्टर अभी आप नहीं हो, अभी तो आप पढ़ाई ही कर रहे हो या पढ़ाई कर चुके हो, कोई छोटी जॉब कर रहे हो और उस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। अब सोचो कि डायरेक्टर जब बन जाओगे तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे आपके डायरेक्टर बनने में, और अभी आप सपोज किया कि आप आईटी में हो सिंपली और वर्किंग एज ए प्रोग्रामर, एंड नाउ यू वांट टू बिकम CTO ऑफ दैट कंपनी, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, यू वांट टू बिकम दैट कंपनी, तो क्या होगा दोस्तों बताओ अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे बात करोगे, कैसे हाथ रखोगे, कैसे शूज पहनोगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता महंगे कपड़े खरीदने में और सस्ते कपड़े खरीदने में, कभी कभी तो अगर कपड़े आपके सही मेंटेन्ड हैं, आयरन्ड हैं, क्लीन्ड हैं, एक वो आदमी है जिसके कपड़े सस्ते हैं लेकिन आयरन्ड हैं, क्लीन हैं एंड वेल मेंटेन्ड हैं, उनकी फील ज़्यादा अच्छी होती है, रादर बहुत एक्सपेंसिव कपड़ा पहना हुआ और लिंट अलग अलग जगह से चिपके हुए हैं तो तो वो अच्छा नहीं होता। मैं कहना दोस्तों ये चाह रहा हूँ कि इसकी भी बड़ी आसान सी तरीके होते हैं कि सपोज किया कि अब मैं कार की बात कर लिया, घर की, चलो क्लोथिंग पे आता हूं कि आपको एक कैसे क्लोथिंग के थ्रू अपने आप को कैसी रिच फीलिंग लानी, जस्ट मैटर ऑफ फीलिंग।
वही हाथ और पैर और आंख और कान और खाना सोना सब कुछ वही बदल वही होता, कुछ भी नहीं बदलता रिच होने के बाद, केवल इन्वायरमेंट बदलता है और आपकी फील बदलती है क्योंकि पीपल नाउ टेक यू इन डिफरेंट वे। तो क्या होता है कि जो क्लोथिंग होती है, बहुत सारे स्ट्रेंज लोग आपको मिलेंगे, आपको बस स्टेशन में मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, कार में मिलेंगे, लेकिन जब तक उनसे आपसे बात नहीं करें, कैसे जाने कि आप क्या हो। तो पहला आपका जो इंप्रेशन होता है आपकी ड्रेसिंग से, आप कैसे बात करते हो, कैसे शूज पहने हो, कौन सी गाड़ी चलाते हो, किस तरीके से रेस्टोरेंट में खाते हो, कौन से तो एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं यूएस और कनाडा इस एनवायरनमेंट का, तो एक वॉलमार्ट है, बिसाइड इंडिया में भी वॉलमार्ट आ गया। तो वॉलमार्ट सपोज टू बी यू नो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, यू नो उनका स्टोर माना जाता है, ठीक है। तो नो ऑफेंस, कोई गरीबी अमीरी का, लेकिन एक बात बता रहा हूं, लेकिन अब आप क्या करें कि अपनी हैबिट में यू गो टू नाउ स्टार्ट विजिटिंग स्टोर्स व्हिच आर डबल द प्राइस, यू नो इट कैन बी बे, इट कैन बी सीयर्स, और अफोर्ड कर सकते तो ट्रिपल एंड फोर एंड फाइव टाइम्स, यू नो लाइक जारा है और बहुत सारे बनाना रिपब्लिक है, बहुत सारे और अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं, तो आप उसमें जा सकते हो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब आप सस्ते के चक्कर में वही 10 कपड़े आप रखते हो, फॉर इंस्टेंस 10 पैंट रखते हो, मैं बोलता हूँ 10 पैंट जब आप 5 पैंट रखो, 2 पैंट रखो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 जोड़ी जूते आपके पास हैं, ड्रेस शूज, आप 2 ही पेयर रखो, लेकिन एक्सपेंसिव एंड क्वालिटी के रखो। हाँ दोस्तों, एक्सपेंसिव का क्या होता है कि एक तो शो ऑफ होता है, ज्यादातर लोग उसको ले लेते हैं अरे शो ऑफ करने के लिए। नहीं दोस्तों, जो एक्सपेंसिव जेन्यून जो एक्सपेंसिव होती है, कभी कभी चीटिंग में पड़ जाते हैं कि वो 5 रुपए की चीज आपको 200 रुपए बेच देंगे, दस डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर जो एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, चाहे वो कार हो, चाहे शूज हो, चाहे घर हो, कोई भी हो, तो उसकी अपनी अलग एक क्या कहते हैं कि पहचान होती है। अरे छोटी सी बात लेने, शूज होते हैं बच्चों के, हाँ चलो यार शूज ही तो शूज हैं, हम 200 रुपए भी ले सकते हैं, लेकिन 1000 रुपए भी ले सकते हैं, 5000 रुपए भी ले सकते हैं। लेकिन शूज का भी क्या होता है कि इतनी जो उसमें रिसर्च हुई है कि जो सस्ते शूज होते हैं वो बच्चों के जो पैर है ना, उनके बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है अगर यू नो अंदर से फर्म और यू नो स्टेबल शूज नहीं है। तो एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो एक्सपेंसिव चीजें होती हैं उनके अलग फायदे होते हैं। दोस्तों कभी देखो, आप कोई सेलफोन कोई भी चीज है रियल में जो एक्सपेंसिव, भाई उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं इसीलिए तो एक्सपेंसिव, कुछ चीज तो है उसमें जिससे वो एक्सपेंसिव है। तो ये होता है दोस्तों, लेकिन एक एक्सपेंसिव को अफोर्ड करने का तरीका मैंने बताया कि क्वांटिटी वाइज कि आप 1/2 क्वांटिटी कर दें, तो उससे क्या है कि एटलीस्ट आपकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। लेकिन दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों कि अब मैं आता हूं कि आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। और एक बात ये मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों यहां पे कि कभी भी अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करने की कोशिश मत करो, लेकिन कंडीशन उसमें ये है कि सपोज किया आप ड्रग्स में नहीं हो, अल्कोहल में नहीं हो, कोई और आपकी गैम्बलिंग नहीं, कोई बैड हैबिट्स नहीं है, आप कोठे वाले नहीं हो, या यू नो आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन कहने का मतलब अगर ये आपकी बैड हैबिट्स नहीं है तो दोस्तों अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करोगे तो कहां करोगे, अपने खाने में, अपने कार में, अपने घर में, अपने बच्चों की स्कूलिंग में। बेसिकली यू विल बी कंप्रोमाइजिंग इन योर लिविंग स्टैंडर्ड एंड यू हैव यू नो नो नीड टू डू दैट बिकॉज यू गॉट ओनली 1 लाइफ एंड यू आर लिविंग टुडे इन द टाइम एंड इन द रेस वेयर देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आज के 10 साल पहले के आसपास मैंने वो बुक पढ़ी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, दैट चेंज एवरीथिंग। लेकिन वो जो सबसे बड़ी लर्निंग आई वो यही आई थी कि डोंट कंप्रोमाइज विद योर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को कम मत करो, रादर ट्राई टू ब्रिंग मोर स्ट्रीम्स ऑफ द इनकम, पैसे कमाने के तरीकों को बढ़ाओ दोस्तों, खर्चे कम मत करो। भाई मैंने बताया कि एक कंडीशन थी कि अगर खर्चे आपके वो जो गलत जगहों पे जा रहे हैं, गलत आदतों पे, तो उसमें तो कितना भी कमाओगे कोई उसकी लिमिट ही नहीं है कि आप ड्रग्स में हो, गैम्बलिंग में हो दोस्तों, अल्कोहल में हो और बुरी संगत में हो, तब तो आप कितना भी कमाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर वो आपके अवगुण जो आपकी बैड हैबिट्स कंट्रोल में है, तो इसका मतलब दोस्तों अगर आप अपने खर्चों को कम कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल से कंप्रोमाइज कर रहे हो, जिसको कि आपको नहीं करना है, स्पेशली आपको 50 साल की उम्र तक, क्योंकि 50 साल की उम्र तक 60 भी हो सकता है 70, लेकिन 50 की इतनी एक्टिव और यंग आप होते हो कि कुछ भी पॉसिबल है, इट जस्ट मैटर ऑफ ट्राइंग एंड स्ट्रेचिंग योरसेल्फ बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। तो दोस्तों पैसे कमाने के तरीकों को बढ़ाएं, ना कि पैसे क्या कहते हैं कि अपने आप को खर्चों को कम करने मत करें।
अब एक मैं तरीका आपको बताता हूँ, आज एक कॉल ऑफ एक्शन आपको देता हूँ और अगर अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा, और एक थोड़ी सी एक हिम्मत की बात है, लेकिन चलिए कुछ और नाम अभी देखता हूँ इसमें जो अभी ऐड हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर संजय कुमार त्यागी के बाद हमारे जॉन केवाईसी, ऑल क्लास कॉन्ट्रैक्टिंग, थैंक यू वेरी मच केविन, थैंक्स अलॉट मैन, अमित माय ब्रदर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड जितेश वर्मा एंड मनोज तिवारी जी ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया। या एक जो लास्ट में आपको मैं कॉल ऑफ एक्शन देने जा रहा हूँ दोस्तों, बड़ा मत सा है और थोड़ा सा हिम्मत की बात है और यू नो कर डालें तो अच्छा होगा। तो दोस्तों ये मैं जो आपको कॉल टू एक्शन देने जा रहा हूं वो ये है लास्ट में कि क्या करें, आप डबल कर दें, मतलब जस्ट अपने टारगेट डबल कर दें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सपोज किया आप साल का 50 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसको डबल कर दें कि मुझे 1 करोड़ कमाना है। अगर आपके पास एक इनकम सोर्स है उसको डबल कर दे, दो इनकम सोर्स कर लें। सपोज कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं है, जिस फील्ड में भी आप जॉब करते हैं वो भी आपकी जो नॉलेज एक्सपीरियंस है वो किसी को टीच कर सकते हैं, ऑनलाइन टीच कर सकते हैं, या कोई उसका प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप विजिटिंग प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने ऑफिस में अपने बॉस से आप बात करेंगे कि भाई आई एम वर्किंग दिस पर्टिकुलर फील्ड में, दूसरी और इनकम कौन सी ऐड करना, आपके पास 5,500 तरीके आएंगे। दोस्त आप क्या करो, एक इनकम है आपकी सोर्स तो उसको दो इनकम कर दो, इनकम के रिसोर्सेस दो हैं तो 4 कर दो, सब कुछ डबल कर दो। दोस्तों जितनी भी इनकम है आपकी साल की, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो चाहे जॉब के थ्रू, उसको डबल कर दो पहले, ब्लाइंडली जस्ट डबल कर दो। और उसके बाद अब क्या करो कि अभी तो ये वीकेंड निकल गया, अगले वीकेंड में अपने वाइफ या बच्चे हो या दोस्तों जिनके भी साथ आपको लगता है कि कुछ हेल्प मिलेगी, बैठ जाएं पेन और पैड लेके और उस पर थोड़ा सा जॉट डाउन करें कि मैं ये इनकम डबल कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों यू विल बी सरप्राइज कि जब आपके जो तरीके आएंगे, और अगर आपकी इनकम सच में डबल हो जाती है तो 10% दे दें किसी को, ऐसे स्ट्रेंजर को, कहीं पे भी आपकी कोई चैरिटी हो, कोई आपका रिलीजियस प्लेस हो, जस्ट दान कर दें खुशी में, पॉसिबल है। कभी कभी लगता होगा, सोचते हो कि दोस्तों राकेश आप पागल हो गए हो, ऐसी बातें करते हो, इतना आसान नहीं होता है, आप वहां पे कनाडा में बैठ के बड़ा आसान होता है। नहीं दोस्तों, कनाडा में आज बैठा हूं, यहां आज भी कुछ आसान नहीं है, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए करनी पड़ती है कि वो जो विजन है, जो ड्रीम है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए क्या होता है कि करता हूं और हो जाते हैं, इसीलिए ये शेयर करना शुरू किया। दोस्तों जो अपनी मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूं, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं मैंने खुद की भी हैं। जो बताया ना कि ओपन हाउस में जब गया तो घर, बड़ा घर लेने का, अच्छा घर लेने की दिलासा जागी, जब उस कार शोरूम में गया तो अच्छी कार लेने की दिलासा जागी, जो पहले प्लान नहीं था, लेकिन जो लोगों को देखा अरे ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, फिर उससे क्या होता है और ज्यादा फिर पैसा आपको चाहिए, तो ज्यादा पैसा कमाने के फिर तरीके ढूंढोगे, नहीं तो क्या लाइफ चलती रहेगी, है कि नहीं दोस्तों। चलिए फिर भी जैसे मैंने बोला, कुछ भी अच्छा लगा हो तो यस या वाई टाइप करें, तो नहीं तो फिर ठीक है, बहुत लोग संकोच भी करते हैं या कुछ लोग जैसा भी है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज की अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपकी स्पेशली अर्निंग के हिसाब से उसको डबल कर दें, जो भी पॉजिटिव चीज अपनी लाइफ में है उनको डबल कर दें। अगर एक बार मुस्कुराते हैं 2 बार मुस्कुराना शुरू कर दें, एक बार थोड़ा रिलैक्स, सोने को मत डबल करें कि 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे सोएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आपको जो जो पॉजिटिव चीजें आपके लाइफ में हैं उनको डबल कर दें, जो पॉजिटिविटी लेके आएंगी, एंड अर्निंग इज वन ऑफ देम। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, किसी ने बोला है कि पुअर पीपल और सेल्फिश पीपल, तो सुनने में बड़ा खराब लगता है लेकिन सच है। क्योंकि हो सेल्फिश क्या होता है कि जब आदमी पुअर होता है तो पूरी जिंदगी उसकी केवल कंजम्पशन मोड में, कंज्यूमर मोड में ही बीत जाती है, कभी कंट्रीब्यूशन मोड में आ ही नहीं पाती। कंट्रीब्यूशन मोड का मतलब हुआ जब आपको अपने आप से बढ़ेगा तब आप दूसरों के लिए करोगे, तो इसलिए कहा गया है कि दोस्तों, तो इसलिए मैं पैसे को बार बार लेके आता हूँ कि अगर पैसे का ब्लॉक है आपके अंदर, लोग अरे भाई पैसे के बारे में क्यों हमेशा बात करते हैं, पैसा नहीं दोस्तों, पैसे के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा जब सफिशिएंट आ जाता है तो उससे बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारी यू नो क्या कहते हैं कि खराब चीज़ें समाज से बाहर हो जाती हैं, और क्या कहते हैं कि, लेकिन ये भी होता है कि पैसे जो कमाने के तरीके वो जायज़ और यू नो जेन्यून और लीगल होने चाहिए, उसका ध्यान रखें। तो चलिए खैर ये कोई बातें बताने को नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर से फास्ट रैप अप करना चाहूँगा
कि आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक था द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट्स टू गेट एनीथिंग यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। और उसके लिए मैंने बताया था कि आपके अपने माइंडसेट को क्या करना होगा कि यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंडसेट फॉर टू बी अनरियल। हमेशा रियलिस्टिक होने से तो क्या होगा, फिर जैसे हमारे मम्मी पापा सब बोलते हैं अरे भाई हम उतने पैसे वाले नहीं, इतना पैसा कोई कमाना आसान थोड़े ना, हम कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको अनरियल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अनरियल नहीं होंगे तो क्या होंगे, जो आपके एक्शंस होंगे दे विल बी वेरी यू नो विद लिमिटिंग बिलीव एंड सेल्फ डाउट। आप कोई बड़े स्टेप लेने का या रिस्क लेने का सोचोगे भी नहीं, करे पॉसिबल भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने अपने आप को अनरियल बना दिया तो आप वो स्टेप्स लेने के लिए आप रेडी रहोगे। और उसके लिए मैंने तीन चीज़ें बताई कि क्या चीज़ें आपको अपने हैबिट्स में फॉलो करनी पड़ेंगी। एक तो है कि इमेजिन करना शुरू कर दें, ड्रीम करना शुरू कर दें, विजन करना शुरू कर दें कि ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या तो उससे क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन कर रहे होते हो। फिर सबकॉन्शियस माइंड, कभी देखो सबकॉन्शियस माइंड का एक सबसे अच्छा एग्जांपल कि आप कार में आप राइड कर रहे होते हो और कभी कभी तीन तीन चार चार लाइट निकल जाती है और आपको मालूम ही नहीं चलता तो समय कौन, और कभी कभी ऐसे आप ड्राइव कर रहे हो दिमाग कुछ और चल रहा है और अचानक आपने ब्रेक लगाई क्योंकि रेड लाइट हो गई, तो क्या हुआ, इस समय आपको सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने बताया कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिल से बता देते हो कि हमें ये पाना है, तो सबकॉन्शियस माइंड उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, चाहे पैसा, चाहे पीपल, चाहे अपॉर्चुनिटीज, तो आपको हमेशा बताएगा। दिमाग में अचानक आप नहा रहे हो और या मेडिटेशन कर रहे हो, जहां भी आपको मान थोड़ा सा मन शांत होता है, एकाग्रचित होता है, तुरंत कोई ना कोई आइडियाज आएंगे आप लोग, अरे तो जो लाइटनिंग आइडियाज आपके पास आएंगी इसलिए आएंगे कि आपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रखा कि भैया ध्यान रखना, कोई चीज आए तो मेरे को बताना क्योंकि मेरे को ये चाहिए। तो इसलिए मैंने बताया कि इमेजिनेशन, विजुलाइजेशन, ड्रीमिंग बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा दोस्तों कि फिजिकली अपने आप को वहाँ पे लेके जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अपने दोस्त का कि वो आईटी कैंपस में इंजीनियरिंग प्रिपरेशन के दौरान ही गया था और फाइनली वहाँ से उसने एमटेक किया। मैंने अपना बताया कि घर में या कार में वहाँ पे गया, अपने आप को दिखाया, फिर खरीद लिया वो चीज़ और वहाँ पे रहने लगा, वो फिजिकली पॉसिबल हो गया। कभी कभी आप अपने आप को ऐसे बता सकते हैं दोस्तों से कि किसी दोस्त ने बताया अरे भाई क्या करने का प्लान है, कुछ नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम यू नो I want to become MD or I want to start my own company. ऐसे आपने just disclose कि फ्यूचर का मेरा ये प्लान है, अब आपने बता दिया और हर बार उसको आप बताओ, डिस्क्लोज करो कि आई वॉन्ट टू हैव माई यू नो 100 करोड़ कंपनी बाई 2020 या 2022। ठीक है, 100 करोड़ आपने बता दिया, अब उस पर आप एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। अब इतनी बार बताओगे, इतनी बार बताओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा कि यू आर ऑलरेडी 100 करोड़ अ बिजनेस मैन एंड देन यू स्टार्ट बिहेविंग। फिर आपकी वो स्केरी थॉट्स या स्केरी सोच नहीं आएगी, आपकी जो सोच है काफी फुल ऑफ अबंडेंस होगी। तो दोस्तों इतनी पावर होती है। या सो दैट वॉज द विजिटिंग द फिजिकल लोकेशन। और जो तीसरा है फेक इट टिल यू मेक इट। या सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, वो हो जाने के बाद आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर कैसा होगा, वो अपने आप में अडॉप्ट कर लो, अपने आप में ढाल लो, दैट्स इट, और वो हो जाता है। सो दोस्तों ये रहा आज का स्ट्रेंज थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था कि स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट्स टू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट वंस अगेन दोस्तों ज्वाइन करने के लिए। और कुछ यू नो फिर उसके बाद से अब हम अगले मंडे को फिर आपसे मुलाकात करेंगे 9 बजे, और तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूँ और होप आई वॉज एबल टू एड लिटिल वैल्यू, लिटिल मोटिवेशन, लिटिल इंस्पिरेशन। अच्छा लगता है हर मंडे को आता हूँ, तो जो चीज़ें अच्छी लगी हों उनको अडॉप्ट कीजिए, लेकिन चीज़ों को डबल करना मत भूलिएगा, स्पेशली अपनी अर्निंग्स को, चाहे वो सैलरी के थ्रू हो, चाहे बिजनेस के थ्रू हो। और ले लो चैलेंज दोस्तों, फिर देखी जाएगी और करके दिखा दो, फायदा उसमें आपको होगा। और अगर मेरी वजह से ये आप सोच के करोगे कुछ फायदा हो जाए तो कभी मिले तो चाय पिला देना। या दोस्तों थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग एंड सी यू नेक्स्ट मंडे एट 9 AM। आपका दोस्त राकेश अब आपसे विदा चाहता है, और फिर इस वादे के साथ कि अगले मंडे को 9 बजे हम फिर मिलते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।